हेलो एसपेडेंट्स वेलकम टू सी एस सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोर्स सात सौ तिरपन कंप्यूटरपेटक के रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट वन में हमने टोटल पचास क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पार्ट में हम इस पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे और सत्तर क्वेश्चन जो बच गए थे उसको डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ओके लेट्स स्टार्ट वन जीरो वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्व सॉफ्टवेयर दैट इज अपाचे ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन ए में देखा था क्रोम क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है ऑप्शन बी में देखा था फायर जिला फायर जिला इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स एफ टी पी सर्वर फायर जिला का यूज़ है आपके फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूजिंग एफ टी पी सर्वर एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन डी में देखा था थंडरब्रिड थंडरबर्ड थंडरबर्ड आपकी एक ईमेल एप्लीकेशन है वन जीरो टू डैश एंड डैश आर फॉर्म डाटा सबमिशन मैथड गेट एंड पोस्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर गेट एंड पोस्ट आपके दो मैथड है फॉर्म में डाटा को सबमिट करने के लिए गेट एट पोस्ट में दोनों का दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दोनों में गेट के थ्रू अगर आप डाटा सबमिट करेंगे तो जो आपका डाटा होगा वो आपको यू में एज अ क्वरिस्टिंग शो हो जाएगा लेकिन अगर पोस्ट के थ्रू डाटा सबमिट किया गया तो वो आपका डाटा हाइड रहता है और ये आपका मोर सिक्योर रहता है वन जीरो थ्री विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एस टीमल डॉक्यूमेंट दट इज़ ऑप्शन डी इज राइट आंसर एच टीमल डॉक्यूमेंट का जो सही स्ट्रक्चर है वो ऑप्शन डी में दिया गया है ऑप्शन बाकी के ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर गलत है एच टी एमल का जब आप टैग यूज जब आप एच टी एमल का डॉमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट टैग होता है एस टी एम एल जो टैग आपका ओपन होगा वो आपका क्लोज़ भी होगा देखिए एस डी एम एल ओपन है लास्ट में एच डी एम एल क्लोज है उसके बाद आपका यूज होता है हेड टैग हेड टैग ओपन है हेड टैग क्लोज़ है सही है और हेड टैग की भी यूज होता है टाइटल टैग एंड हेड टैग के बाद आप यूज़ करते हैं बॉडी टैग बॉडी ओपन बॉडी क्लोज और जो आपके बचे हुए टैग है जिसमें आप जिसमें आप एस टी एम एल में कंटेंट लिखते हैं वो आपके यूज़ होते हैं बॉडी टैग के अंडर और ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है सिर्फ डी ऑप्शन में हमें देखने को मिला इसलिए ऑप्शन डी सही है बाकी के सारे स्ट्रक्चर आपके थोड़े आगे पीछे कर दिए हैं इसलिए वो गलत है वन जीरो फोर हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल सी एस एस फाइल इन एस्टीमेट डॉक्यूमेंट दैट इज ऑप्शन बी यूजिंग लिंक एलिमेंट लिंक एलिमेंट के थ्रू आप एक्सटर्नल सी एस एस फाइल को एस्टमेट डॉक्यूमेंट में एड कर सकते हैं सी एस एस का स्टैंड पूरा नाम है कास्कैडिंग स्टाइल शीट ऑप्शन ए में था एल आई एल आई एक ऐसा टैग है इसका यूज किया जाता है लिस्ट आइटम को बनाने के लिए आपके पास दो टाइप की लिस्ट लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट ओ एल टैग उसकी यूज़ किया जाता है एंड अन ऑर्डर लिस्ट यू एल टैग लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन सी में लिखा था ए एलिमेंट एलिमेंट को आप टैग बोलते हैं या फिर आपको ए टैग लिखा हो या फिर ए एलिमेंट लिखा हो बात एक ही है ए टैग का यूज़ किया जाता है लिंक को जनरेट करने के लिए जो आपका हाइपर लिंक होता है उसको बनाने के लिए हम करते हैं ए टैग का यूज़ और ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एच आर ही एफ हरीफ उसके अंदर हम पाथ लिखेंगे उस उस लिंक का जिस लिंक को ओपन करने पर हमें एक नया पेज खोलेगा ऑप्शन डी में यह कहता है स्टाइल एलिमेंट स्टाइल एलिमेंट का यूज किया जाता है इंटरनल सीरीस बनाने के लिए सीरीस आपकी तीन टाइप की होती है इंटरनल एक्सटर्नल एंड इनलाइन इनलाइन और इंटरनल स्टाइल शीट आपकी एस्टिमेट की डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम लगाते हैं लेकिन जो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके लिए एक अलग से फाइल बनती है और उस फाइल को हम लिंक करते हैं लिंक एडिबुट के थ्रू जो आपका स्टाइल एलिमेंट जहाँ पर दिया गया है इस स्टाइल एलिमेंट का यूज़ किया जाता है इंटरनल स्टाइल शीट को बनाने के लिए वन जीरो फाइव विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर वैक्यूम ट्यूब डेट इज़ ऑप्शन वन फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी लेकिन जो सेकेंड जनरेशन के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वहाँ पर होते थे यूज ट्रांजस्टर थर्ड में आई सी इंडिकेटर सर्किट एंड फोर्थ में आपके वेरी लार्ज स्केल इंडिकेटर सर्किट एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर वन जीरो सिक्स

इन सभी मेमोरी से ज़्यादा होती है और कैश मेमोरी से भी एक ऊपर होती है रजिस्टर उसी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं दिया गया है इसलिए हम कैशें मेमोरी को ठीक करेंगे लेकिन अगर ऑप्शन में कैशे मेमोरी और रजिस्टर दोनों आ जाए तो आप प्रेफरेंस देनी है रजिस्टर को वन जीरो एट विच इज़ इन कंप्यूटर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द यूज़र टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग के ऑप्शन को प्रायोरिटी चेंज करनी है तो आप यूज़ करेंगे बायो सेटिंग दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग ऑप्शन बी में देखा था सिस्टम रजिस्ट्री सिस्टम रजिस्ट्री आपकी एक कॉम्फिकेशन फाइल होती है या आपकी डाटा इट इज़ अ रेडिकल सेंट्रल डाटा बेस डट इज़ यूज दैट इज़ यूज टू मोनीटर दी ऑल विंडो एक्टिविटी आपके विंडो में जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं या फिर आप हर एक यूजर की प्रोफाइल एज वेल एज आपके जितने भी हार्डवेयर इसमें इंस्टॉल है जितने भी आपके पोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं कोई भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं इन सब के ऊपर नजर रखती है सिस्टम रजिस्ट्री ऑप्शन सी में देखा है कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल आपका माइक्रोसॉफ्ट का कंपोनेंट है दैट इनेबल टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग ऑप्शन डी में लिख गया है सिस्टम रिकवरी सिस्टम रिकवरी का यूज तब तो आता है जब आपके सिस्टम पर कुछ क्रैश हो जाए आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाए या फिर सिस्टम आपका डैमेज हो जाए उस उस डैमेज हुई हुई फाइलों को रिकवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम रिकवरी टूल वन जीरो नाइन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज सी पी ओ जो आपका ए एल यू है यह आपका सी पी ओ का पार्ट है सी पी ओ के आपके और भी पार्ट होते हैं दैट इज मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट वन वन टेन एक सौ दस में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी प्राइमरी और मेन मेमोरी है रेस्ट ऑफ द थ्री मेमोरी आर सेकेंडरी मेमोरी एक सौ ग्यारह वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एल सी डी एल सी डी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन डी इज राइट आंसर एक सौ बारह विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सेम डॉक्यूमेंट अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्रिएट करनी है वो आप यूज़ करेंगे प्रिंटर का प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस एक सौ तेरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस स्कैनर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइस है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन वन फोर डिफरेंट मेमोरी टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्पीड यहाँ पे देखिए ध्यान से आपने देखना है यहाँ पे लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्पीड आपने स्पीड के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा अब देखिए ऑप्शन बी में क्या था सेकेंडरी स्टोरेज रैम कैशे सबसे कम स्पीड होती है सेकेंडरी स्टोरेज की और उससे ज़्यादा होती है रैम की उससे ज़्यादा होती है कैशे की तो इस हिसाब से हमारा इंक्रीजिंग रोड ये बनेगा क्योंकि सबसे कम सेकेंड स्टोरेज की होती है उससे ज़्यादा रैम की होती है फिर कैशे की होती है लेकिन अगर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तब आपका आंसर होता है कैशे रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी एक सौ पंद्रह में पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल देट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मोनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर ऑप्शन ए में लिखा था डी पी आई डॉट पर इंच इसका यूज़ है प्रिंट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ऑप्शन बी में लिखा था रिफ्रेश रेट रिफ्रेश रेट का मतलब है द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज द स्पीड एट विच मॉनिटर इमेज चेंज और रिफ्रेश रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर की एक ऐसी स्पीड है कि आपके मॉनिटर पर जो इमेज आ रही है उस पर जो चेंज आ रहा है वो कितने सेकंड में आ रहा है कितनी स्पीड में आ रहा है आपके मॉनिटर पे जो द स्पीड एट विच द मॉनिटर इमेज चेंज और रिफ्रेश और रिन्यूड दैट इज रेट और इसको मैसेज करते हैं हम हर्ट्स में ऑप्शन सी मैंने कहा था कलर डेप्थ कलर डेप्थ आपके नाम से पता लग रहा है कि आपके इमेज की कितनी आपके जो स्क्रीन पे जो क्वालिटी आ रही है कलर की उसकी क्या डेप्थ डेप्थ है और इसमें आपके जो आर जी बी का कॉम्बिनेशन यूज होता है थ्री डॉट पिक्सल रेड ग्रीन ब्लू एक सौ सोलह में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल यहाँ पे ऑडियो फाइल पूछी गई है ऑप्शन डी इज राइट आंसर डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू ए बी स्टैंड फॉर वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी सही होगा ऑप्शन ए में देखा था ए वी आई ए वी आई आपकी ऑडियो एंड वीडियो फाइल है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंडलीव्ड ऑप्शन बी में देखा था पी डी एफ पी डी एफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड ऑप्शन सी में देखा था जे पी ई जी जिसको बोलते हैं जे पैग इसका पूरा नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एक सौ सत्रह में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल फाइल डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है दैट इज पी डी एफ ऑप्शन बी इज राइट आंसर रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर इमेज फाइल फॉर्मेट जे पैक हमने डिस्कस कर लिया है पी डी एफ हमने डिस्कस कर लिया है ऑप्शन सी में देखा था पी एन जी पी एन जी का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक एंड ऑप्शन डी में देखा था बी एम पी विट मै पिक्चर एक सौ अठारह में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज फॉर इमेज एडिटिंग दैट इज़ फोटोशॉप ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर एक सौ उन्नीस में पूछा गया था विच मेल्स आर अनसोलिसिटेड ई मेल मैसेज यूजली एडवर्टीजमेंट सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसिपेंट दैट इज स्पैम ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन ए और डी मिल गया था वॉम ट्रोजन ये दोनों आपके मेलिशियस सॉफ्टवेयर है एंड ब्लॉग ब्लॉग आपके एक ब्लॉग आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें जो आपका इसका जो ऑनर होता है उसमें कोई कंटेंट पब्लिश करेगा एंड उस कंटेंट पे आप डिफरेंट यूजर उस पर कमेंट करेंगे उसको पढ़ेंगे एक्सेट्रा जो भी उसमें उनको स्टूट पर लगता है उस पर वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे एक सौ बीस में पूछा गया था विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आई सी टी आई सी टी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सिटीजन टू गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन की शॉर्ट फॉर्म होती है जी टू सी गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन जी टू सी इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ई गवर्नेंस इज द राइट आंसर वन ट्वेंटी वन में पूछा गया था विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल द इनेबल टू ड्राइव न्यू क्लास बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लासेज एग्जिस्टिंग क्लास से आपने न्यू क्लास को ड्राइव करना है दैट इज़ इन हेरिटेंस ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर ये चारों ऑप्शन आपके ओप उप, के बहुत ही मेन कंसेप्ट है पॉलीमोफिजम इन कैप्सुलेशन इन हेरिटेंस एंड ऑब्सट्रेक्शन ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग में इन चारों अगर ये चार ना हो तो वो लैंग्वेज किस काम की के नहीं है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर पोलिमोर्फिजम ऑप्शन ए में देखा था पॉली मतलब मतलब तो का मतलब है मैनी एंडमोर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स तो इसको कंबाइन करके बना मैनी फॉर्म्स पोलिमोफिज्म का मतलब है इट डिस्क्राइब समथिंग टू अकर इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म मतलब आपकी कोई एक चीज डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो रही है इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो हम इसको बोल सकते हैं अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन परफॉर्म या फिर कैन हैव डिफरेंट कैक्टिक्स एक पर्सन की एक सेम सेम सिचुएशन में या फिर सेम टाइम में डिफरेंट कैक्टिक्स हो सकती हो सकती है जैसे कि आपका एक पर्सन है वो एक एम्प्लॉय भी है वो किसी का फादर भी है वो किसी का स्टूडेंट भी है किसी का सन भी है तो एक ही पर्सन है उसकी मैनी फॉर्म्स होगी वैसे कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में जैसे कोई एक फंक्शन हो गया उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं ऑप्शन बी में यह कहा था इनकेप्सुलेशन इनकेप्सुलेशन का मतलब है आपके डाटा को आपके डाटा को रैप करना इट कम्बाइन बोथ डाटा एंड मैथड इन वन वन फॉर्म एंड इट प्रोवाइड द प्रोटेक्ट शील्ड ये इसको एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है एंड इट प्रोवाइडि सिक्योरिटी इस शील्ड के बाहर इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता ऑप्शन डी में देखा था अपस्ट्रेक्शन ऑब्सक्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन हाइडिंग एब्स्रेक्शन में सिर्फ वही ऑब्सक्शन की वजह से सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही यूजर को शो की जाती है लेकिन जो इफॉर्मेशन यूजर को काम की नहीं है उसको हाइड कर दिया जाता जाता है फॉर एग्जाम्पल आप ए टी एम यूज़ कर रहे हैं तो ए टी एम में आप जो भी कमांड दे रहे हैं परफॉर्म हो रही है लेकिन आपको एक्चुअली में नहीं पता कि वो बैकेंड में कैसे काम कर रही है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एबस्ट्रेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ स्पेशल मैथड ऑफ क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वैन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड दैट इज कंस्ट्रक्टर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कौन स्टेटमेंट गलत दी गई है दैट इज ऑप्शन ए इट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ प्री प्रोसेस डरेक्टिव जावा में कोई भी आपके प्री प्रोसेस डरेक्टिव नहीं होते लेकिन इन्होंने बोला सपोर्ट दैट इज इट इज रॉन्ग यही इन्होंने पूछा गया था विच ऑफ़ द फॉन्ंग नॉट ट्रू वन ट्वेंटी फोर विच ऑफ़ द फोइंग इज अ ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जावा में अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसका ऑपरेटर यूज़ करेंगे आप न्यू ऑपरेटर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर वन ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसीफायर इन जावा क्लास डैट इज़ प्रो प्रोपराइटरी जावा में आपके पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एक्सप्रेसफायर होते हैं लेकिन प्रोपराइटरी नहीं होता अगर कोई एक्सेस एक्सरप्रेसिफायर आपका प्राइवेट है इसका मतलब है कि उसके प्राइवेट का मतलब है कि जो उसके मम्बर है वो विद इन द क्लास एंड विद इन दैट फंक्शन जहाँ आप डिफाइन किया गया है वहीं पर एक्सेस होंगे और अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक में आपके जो वेरिएबल है फंक्शन है या कुछ भी है वो आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं से भी एक्सेस हो सकता है जैसे ग्लोबल वेरिएबल एंड जो बी में कहता था प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उसका जो मेंबर उसका जो फंक्शन है या फिर वेरिएबल है वो उस क्लास के अंदर होगा या फिर उसकी चाइल्ड क्लास में होगा अदरवाइज वो कहीं भी एक्सेस नहीं हो पाएगा

ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर लेकिन अगर आपने सिंपल एंड प्रेस किया तो आप डॉक्यूमेंट के एंड में नहीं बल्कि अपने जो आपकी टेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन है उसके एंड में जाएंगे अगर आपने किसी पैराग्राफ पैराग्राफ की लाइन के एंड में जाना है कर्जों को एंड में लेके जाना है तो आप एंड तो प्रेस करेंगे लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुँचना है दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंड ऑप्शन ए में दिया गया था कंट्रोल प्लस पेज डाउन कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज है वन पेज डाउन अगर आप किसी पेज पे है आपने एक पेज नीचे आना है तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे लेकिन अगर आपने एक पेज ऊपर आना है तो कंट्रोल पेज अपन थर्टी विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सलूट सेल रेफरेंस डिफरेंस एब्सलूट सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सएल एब्सलूट सेल रेफरेंस के लिए सिंबल होता है डॉलर डॉलर ए डॉलर टेन ऑप्शन डी इज राइट आंसर एब्सलूट सेल रेफरेंस का जो सिंबल है वो डॉलर होता है और डॉलर इसमें और कहीं भी नहीं है इसलिए आपका डी आंसर सही हुआ और एक आपको होता है रिलेटिव एड्रेस रिलेटिव में आपका कोई भी साइन सिंबल यूज नहीं होता सिंपल आपका जैसे कि ए टेन लिख दिया या फिर ट्वेंटी दैट इज रिलेटिव एड्रेस सेल एंड इन दोनों को जो आपको कंबाइन कर दे तो वो बनता है आपका मिक्सड सेल रेफरेंस एंड एप्सल्यूट सेल रेफरेंस का यूज किया जाता है टू फिक्स द वैल्यू ऑफ द सेल अगर आपने किसी सेल की वैल्यू को फिक्स करना है तब आप यूज़ करेंगे एप्सलूट का एप्सल्यूट सेल रेफरेंस को विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल वन थर्टी वन विच लेयर इन द ओ एस आई सो ओ एस आई रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट ओवर ऑल कम्युनिकेशन चैनल डेट इज़ फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर में आपका जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो बिट किसी फॉर्म में हुआ एंड फिजिकल लेयर आपकी ओ एस आई की फर्स्ट लेयर है सेकेंड लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर है थर्ड नेटवर्क लेयर फोर्थ ट्रांसपोर्ट फिफ्थ सेशन लेयर सिक्स एप्लीकेशन लेयर एंड सेवन सॉरी प्रेजेंटेशन लेर एंड सेवन आपकी एप्लीकेशन लेयर जो ऊपर की तीन लेयर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर एंड बॉटम की जो तीन लेयर है फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क डैट इज़ हार्डवेयर लेयर एंड जो सेंटर वन गई आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर इस लेयर को बोलते हैं ओएसआई मॉडल का हार्ट वन हु अमंग हु फॉलोइंग डेवलप्ड द टी सी पी आई पी पोटकोल सूट टी सी पी आई आई पी पोटोको सूट का जो फादर है वो आपके हैं बॉब खान एंड विंडसर्फ ऑप्शन ए राइट आंसर इन दोनों इन दोनों ने मिलकर टी सी पी आई पी को डेवलप किया ऑप्शन बी में देखा था लैरी पेज एंड सरजी बरिन ये आपके गूगल के फाउंडर हैं ऑप्शन सी में देखा था लेनर्ड क्लिनरक एंड पॉल बैरन ये दोनों आपके पैकेट स्विचिंग के फादर हैं एंड ऑप्शन डी में देखा था डैनिस रिची एंड कैन थॉमसन ये बोथ आपके फादर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 133 थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आई पी एड्रेस ऑप्शन डी इज़ इनवैलिड बिकॉज इसमें जो आपकी रेंज दी गई है वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्सटी डॉट टू फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी सेवन आई पी एड्रेस की रेंज से बाहर है आई पी एड्रेस की जो रेंज होती है वो जीरो से दो सौ पचपन के बीच होती है दैट्स वाइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर वन थर्टी फोर हाउ मैनी बिट्स आर देर इन मैक एड्रेस मैक एड्रेस स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड मैक एड्रेस जो आपका होता है वो आपका सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है और ये आपका होता है फोर्टी एट बिट का लेकिन अगर बात की जाए लॉजिकल एड्रेस की दैट इज आई पी एड्रेस वो आपका होता है बत्तीस बिट का और एक सौ अठाईस बिट का बत्ती बत्ती बिट का तब होगा अगर आई पी वी आई पी वी फोर होगा लेकिन बिट का तब होगा अगर आई पी वी सिक्स होगा वन थर्टी फाइव सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है एंड इसके दो टाइप होते हैं सिंगल मोड एंड मल्टी मोड वन थर्टी सिक्स वट इज़ द आई टिपल ई स्टैंडर्ड फॉर वाई फाई टेक्नो नेटवर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो वट इज़ द फुल फॉर्म आई टिपल ई आई टिपल ई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड वाई फाई स्टैंड फॉर वायरलेस फर्टिलिटी वाईफाई का जो आई पुलिस स्टैंडर् है वो है आठ सौ दो पॉइंट ग्यारह ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर लेकिन हमें जानना है कि बाकी के ऑप्शन भी क्या बोलते हैं ऑप्शन ए में देखा था आठ सौ दो पॉइंट एक आठ सौ दो पॉइंट एक स्टैंडर्ड इज यूज फॉर लैन और मैन ब्रिजिंग एज वेल एज रिमोट मीडिया एक्सेस कंट्रोल ब्रिजिंग ऑप्शन बी में कहा था आठ सौ दो पॉइंट एट ये आपका फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए स्टैंडर्ड है ऑप्शन डी में देखा था आठ सौ दो पॉइंट नौ आठ सौ दो पॉइंट नौ स्टैंडर्ड यूज फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस लाइक वॉइस इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए यूज किया जाता है एट जीरो टू पॉइंट नाइन स्टैंडर्ड वन थर्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आई पी एड्रेस रेंज इज़ रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज दट इज़ ऑप्शन सी वन नाइन्टी टू पॉइंट वन सिक्सटी एट पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो से लेकर वन नाइन्टी टू पॉइंट वन सिक्सटी एट ये आपका क्लास सी का एड्रेस है जो यूज़ किया जाता है प्राइवेट एड्रेस के लिए लेकिन इसके अलावा क्लास ए और क्लास बी भी, भी होती है क्लास ए की रेंज होती है टेन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो से लेकर टेन पॉइंट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव क्लास ए की रेंज ये हो गई क्लास ए की ये दी गई है जो जिसका आंसर है लेकिन क्लास बी की क्या होती है क्लास बी की होती है वन सेवनटी टू पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो से लेकर वन सेवेंटी टू पॉइंट थर्टी वन पॉइंट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव वन थर्टी एट इच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्गेस्ट रेंज ये चारों आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इन चारों में से जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की है डेट इज वाई फाई वायरलेस फेडिलिटी ऑप्शन ए इज राइट आंसर वन थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया डेट इज माइक्रोवेव माइक्रोवेव आपकी अन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है लेकिन फर्स्ट में देखा था ओ एफ सी ओ एफ सी आपका है ऑप्टिकल फाइबर केबल सी में यूटी पी अनशील्डेड प्रोश पेयर डी में कोबल केबल ये तीनों आपके गाइडेड मीडिया है वन फोर्टी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेज फर्स्ट आर ये आपकी सी पी शेड्योलिंग एलगोदम है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन वन फोर्टी वन डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट इज प्रोसेस अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ये आपकी एक प्रोसेस की डेफिनेशन ने पूछ ली है प्रोसेस की डेफिनेशन ये होती है अ प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन वन फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स दैट इज लिनक्स लिनक्स आपका फ्री एंड ओपन सोर्स है इसका मतलब है कि आप इसकी जो आप इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं इसकी प्रोग्रामिंग में लिनक्स आपका आया था उन्नीस सौ में लिनक्स के फादर हैं आपके लिनस टॉन वर्ल्ड मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये आपका सिस्टम का फिजिकल एड्रेस है फोटी बिट का होता है सी में देखा यूनिक्स यूनिक्स का आपका इन्वेंशन हुई थी नाइनटीन यूनिक्स फादर डेनिस रिची एंड कैन थॉमसन एंड डी में देख विंडोज़ विंडोज टैंस फॉर वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है एंड विंडो आपकी आई थी 1985 में वन फोर्टी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर वन फोटी फोर विच ऑफ़ द फॉलोइिंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ विंडो नाइन विंडो नाइन आपका कोई भी विंडो का वर्जन नहीं है लेकिन विंडो सेवन विंडो एट विंडो टेन ये आपके विंडो के वर्जन है लेकिन यहाँ पूछा गया है नॉट अ वैलिड वर्जन दैट वाई ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर विंडो सेवन आपकी आई थी बाईस अक्टूबर दो हज़ार नौ को विंडो एट आपकी आई थी अक्टूबर 2012 में एंड विंडो 10 आपकी आई थी 29 जुलाई 2015 एंड जो आपकी लेटेस्ट विंडो चल रही है लेट इज़ विंडो 11 ये लॉन्च की गई है 5 अक्टूबर 2021 को 145 फोर्टी फाइव विच ऑफ विच इज़ दी वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडो 10 विंडो 10 में आपका कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट है दैट इज़ कोटाना कोटाना आपका विंडो टेन का वर्चुअल असिस्टेंट है कोटाना आपका यू, यू यूज़ करता है बींग सर्च इंजन को बिंग सर्च एजेंट को यूज यूज करता है टू सॉल्व दी यूज़र इंक्वायरी एंड इसका जो पर्पज है सेटिंग रिमाइंडर एज वेल एज आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क बाय यूजर फर्स्ट में देखा था एलेक्सा एलेक्सा आपका एमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट है सेकेंड में देखा है बिक्स बी बिक्स बाय ये आपका सैमसंग का है एंड डी में देखा था सीरी सीरी आपका एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है वन फोर्टी सिक्स विच इज़ दॉकट की इन विंडो टू शो द रन कमांड वैन यू वैन यू प्लेस यूर कमांड दैट इज़ विंडो आर अगर आप विंडो आर को एक साथ बैंकंगे तो आपकी रन कमांड रन डायल बॉक्स ओपन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर ऑप्शन ए में देखा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर एंड ऑप्शन सी में देखा था कंट्रोल प्लस आर कंट्रोल शिफ्ट आर और कंट्रोल आर इन दोनों का सेम यूज़ है पेज को रीलोड करना लेकिन इन दोनों में एक की डिफ्रेंस है अगर कंट्रोल आर अगर आप कंट्रोल आर बेंगे तो आपका पेज रिलोड होगा साथ में आपका जो आपका कैश कंटेंट है वो भी रिलोड हो जाएगा लेकिन कंट्रोल शिफ्ट आर का यूज यूज, यूज किया जाता है हार्ड रिलोड के लिए इसमें आपका सिर्फ पेज ही रिलोड होगा लेकिन जो आपका कैश्ड कंटेंट है वो आपका रिल, रिलोड नहीं होगा ऑप्शन बी में देखा था ऑल्ट प्लस आर ऑल्ट प्लस आर का यूज किया जाता है टू ओपन द रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड एमएस वर्ड में अगर आपने रिव्यू टैब को ओपन करना है तो आप प्लस कहेंगे ऑल्ट आर वन फोर्टी सेवन माइक्रोसॉफ्ट डैश इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इन टू माइक्रोसॉफ्ट into 10 that is defender option c is right answer 148 which is the component of ms window that provide the ability to view and change system setting game many abhi that is control panel 149 which is a way to boot a window computer in distinguish in diagnostic mode when there is a system critical problem that interfere सॉरी फोटो आपकी थोड़ी ब्लर हो गई है विद दी नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ विंडो दैट इज सेफ मोड ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर ऑप्शन ए मैं देखा था कोल्ड बूट कोल्ड बूट का यूज किया जाता है जैसे कि आपने आपका सिस्टम ऑफ है अगर आपने उसको फर्स्ट टाइम ऑन किया दैट इज कोल्ड बूटिंग बूटिंग मतलब तो होता है सिस्टम को ऑन करना ऑप्शन बी में देखा है वार्म बूटिंग वार्म बूटिंग का यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम पहले से रन कर रहा है और आपने एकदम से सिस्टम को रिस्टार्ट किया दैट इज वार्म बूटिंग ऑप्शन डी में देखा था कमांड मोड Command mode is a mode that causes the computer to accept command for the execution. 150 the main job of CPU is to process data and information as well as store data or information for further use. Option D op, Sorry. option A process data process data and information and carry out program instruction. Option D is right answer. Both A and B. 151. The instruction कोड यूज इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाई द बेसिक ऑपरेशन ऑफ सीपीयू दैट इज ओपकोड कोड का मतलब है ऑपरेशन को परफॉर्म करना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ सीपीयू को कौन सा कोड परफॉर्म करेगा कोड आपके इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं एक आपका ओपकोड होगा सेकंड आपका सेकंड आपका होगा का मतलब है डेटा और उस डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो डिसाइड करेगा ओपकोड फॉर एक्जाम्पल आपके पास है थ्री प्लस फोर थ्री एंड फोर आपका ओपरेंट है एंड जो बीच में प्लस लग गया दैट इज ओपकोड वन फिफ्टी टू पी सीज़ आर कंसिडर्ड फोर जनरेशन एंड कंटेन माइक्रो प्रोसेसर आपके जो फोर्थ फोर्थ जनरे में जो पी सी आए थे वो माइक्रोपोसर कंटेन करते थे वन फिफ्टी थ्री विच ऑपेशन विच ऑप्शन इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्जर ऑफ माउस इसके दो आंसर बनते हैं सेटिंग एज वेल एज कंट्रोल पैनल इन दोनों के हेल्प से आप माउस की स्पीड को माउस की कर्जर की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हैं वन फिफ्टी फोर ट्रैक बॉल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर 155, which printer have प्रिंटर hammer like हैमर लाइक कीज एंड the स्ट्राइक द पेपर थ्रू इंक्ड रिबन ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जो जिसमें आपका जो हैमर होता है या फिर प्रिंट हेड होता है पेपर से स्ट्राइक करता है वो आपके होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर अब आप देखिए ऑप्शन ए में दिखाए इंक जेंट इंक जेट ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ऑप्शन बी में तो नॉन इम्पैक्ट लिखा गया है एंड ऑप्शन सी में दिखाया लेज़र प्रिंटर लेज़र प्रिंटर पर आपका नॉन नॉन प्रिंटर है इस हिसाब से यह तीनों ऑप्शन नहीं होंगे दट्स वाई ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर क्योंकि बैक डॉमेंटर कहीं भी नहीं दिखाया गया है वन फिफ्टी सिक्स स्टोरेज डिवाइस में भी ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी जो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है वो आपकी डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकती है एंड साथ में सीक्वेंसिंग एक्सेस भी हो सकती है एक्सेप्ट मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक टेप आपकी ओनली सिक्वेंसिंग एक्सेस भी काम करती है उसमें डायरेक्ट एक्सेस काम नहीं करता वन फिफ्टी रोम इज़ अ कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये आपकी ना तो मैग्नेटिक मेमोरी है ना तो सेमी मैगनीटिक मेमोरी है ना मेमोरी रिजर है ये आपकी क्या है ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क की पार्ट है इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हुआ नन ऑफ डीज वन फिफ्टी एट द बेस और रेडिक्स ऑफ डेसिमन नंबर सिस्टम टेन आपके नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका टेन होता है अगर अगर डेसिमल का टेन होता है तो दो आठ और सोलह किसका होता है दो आपका होता है बाइनरी का आठ आपका ऑक्टल का एंड सोलह होता है आपका एक्स डेसिमल सिस्टम का सोलह होता है वन फिफ्टी नाइन द यूनिकोड बाइंडिंग सिस्टम यूज डैश बिट पर बाइट यूनिकोड आपका चार चार बिट का होता है सिक्सटीन बिट का होता है बत्ती बिट का होता है ऑप्शन में आपका सिक्सटीन और बत्तीस दोनों दिए गए हैं इसलिए आपके दोनों आंसर सही होंगे सिक्सटीन एंड थर्टी टू बोथ ऑफ दिस इज राइट आंसर लेकिन अगर आपको पेपर में दोबारा ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आपने प्रेफरेंस देनी है बत्तीस बिट को लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उस करैप हो जाएगा क्योंकि दो आंसर कभी किसी क्वेश्चन के नहीं होते वन सिक्सटी एन एरो इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग इसका दूसरा नाम क्या है दस इज क्लिच ऑप्शन बी इज राइट आंसर वन सिक्सटी वन विच इज अ ट्रू अबाउट सू कोड नन ऑफ दीज ऑप्शन डी इज राइट आंसर ना तो ये मशीन लैंग्वेज है ना तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है ना तो ये असेंबली लैंग्वेज है सोडो कोड आपका एक नॉर्मल कोड होता है जब आप जब जब आप प्रोग्राम को लिखने से पहले डिसाइड करते हैं प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लिखते हैं एल्गोरिथम एल्गोरिथम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई सिंटैक्स फॉलो करना है उसको आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसलिए इतने आंसर इसके नहीं होंगे वन सिक्सटी टू कंपालर आर कंबालर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंड करते हैं एज वेल एज हार्डवेयर डिपेंड करते हैं दैट्स वाई ऑप्शन सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी राइट आंसर वन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम कभी ऑन नहीं हो सकता 164 मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाय मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज इनपुट और आउटपुट यूनिट दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस को रैम रैम में लेके आना फॉर एग्जाम्पल आपका बीस प्रोसेस है तो आपने बीस की बीस रैम में ले आए उसके बाद एक के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना है और मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका सी कभी भी आइडल नहीं रहता आइडल का मतलब है वो कभी भी फ्री नहीं रहे, नहीं रहेगा और इसमें एक प्रोसेस को कम्प्लीट किया जाएगा उसके बाद सेकंड प्रोसेस का नंबर पड़ेगा लेकिन अगर जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर बीच में उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो वो प्रोसेस वहाँ पर स्विच करेगा और उस टाइम पे आपका सी पी यू आइडल नहीं रहेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा ऐसे करते करते आपके आपकी, आपकी होती है कंटेक्ट स्विचिंग कि आपका एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में सी पी ट्रांसमिट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है सी पी आपका आइडल नहीं है और हर एक प्रोसेस को सी पी असाइन हो रहा है हो रहा है वन सिक्सटी फाइव वाइल वर्किंग विद एम एस डॉस विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अदर अगर आपने एक डिस्क से दूसरी डिस्क से एक डिस्क से दूसरी डिस्क में एक स्पेसिफिक फाइल को कॉपी करना है तब तो आप यूज़ करेंगे कॉपी कमांड लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करना है जैसे कि आपने पूरा का पूरा फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप यूज़ करेंगे एक्स कॉपी और अगर आपने पूरी की पूरी डिस्क ही उठानी है एक जगह से दूसरी दूसरी जगह पर तब तो आप यूज़ करेंगे डिस्क कॉपी कमांड जो ऑप्शन ए में दिया गया था डिस्क कॉपी कॉपी एंड एक्स कॉपी इन में ये डिफरेंस है डिस्क कॉपी से आपकी पूरी की पूरी डिस्क कापी जाएगी एक्स कॉपी से आपका पूरा का पूरा फोल्डर या डायरेक्टरी कॉपी होगी एंड कॉपी से सिर्फ ओनली वन सिंगल फाइल कॉपी होगी ऑप्शन सी रीनेम विनय कुमार का यूज किया जाता है किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए या फिर किसी फोल्डर का या फिर डायरेक्टिक का नाम चेंज करने के लिए वन सिक्सटी सिक्स अ विंडो दैट इज डिस्प्लेड वी हेर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज़ कॉल्ड डायगनल बॉक्स डायलॉग बॉक्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर वन सिक्सटी सेवन टू सेलेक्ट अ लाइन इन एम एस वर्ड प्रेस डिस्की एंड क्लिक एनवेर इन देंटेंस डिस्की इज कंट्रोल ऑप्शन बी इज राइट आंसर वन सिक्सटी एट इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट दैट इज वर्क बुक ऑप्शन इज राइट आंसर वन सिक्सटी नाइन विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट इज रिहर्सल टाइमिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर पॉइंट की जो जितनी भी स्लाइडें हैं हर एक स्लाइड में एक परफेक्ट टाइमिंग लगाना कि वो इस टाइमिंग पे एंटर करे तब आप यूज़ करेंगे रिहर्सल टाइमिंग और आपको यह आपको ये ऑप्शन मिलेगा पावर पॉइंट के स्लाइड टाइप के अंदर इसी के साथ हमारा ये पेपर कम्प्लीट होता है इस सेक्शन में इस लेक्चर में हमने टोटल सत्तर क्वेश्चन डिस्कस किए पार्ट वन में हमने पचास क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसका एक और पार्ट हमने कल अपलोड किया था जिसमें हमने इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्टडी किया था पार्ट वन और डिफिकल्ट क्वेश्चन का लिंक भी आपको इसी पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपनी क्वारी टेलीग्राम चैनल पर या फिर ग्रुप में हमें भेज सकते हैं इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद कीप कनेक्टेड विद यर सॉल्यूशन फॉर गेटिंग एवरी एग्जाम विद डीप सॉल्यूशन Thank you. Have a nice day.